नागदा अनाज मंडी में अनाज सड़ने लगा, जिसकी बदबू पूरे मंडी में फैल चुकी है, जिससे आसपास के रहवासियों को रहने में तकलीफ हो रही है। इसके बारे में हमने मंडी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि नागदा में हुई तेज बारिश से पास ही कुछ दुकानों में अनाज गीला हो गया, जिससे उसमें से बदबू आ रही है। नागदा नगर पालिका की सीवर लाइन को अनाज मंडी से डाल दिया गया है, जो बार बार जाम हो जाती है, जिससे सारा पानी मंडी में फैल जाता और अनाज को गीला करता है। अब उस अनाज को सुखाया गया, जिससे उसकी बदबू आसपास फैल रही है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये कि जो नागदा की जो मंडी के बाहर की जो बस्ती है, तो नगर पालिका के अंडरटेकिंग जो नाली आती है, उस सारी नाली का पानी मंडी ग्राउंड के अंदर से इन लोगों ने निकास की व्यवस्था कर रखी पिछले कुछ सालों से। अब जब बारिश में जब उधर से नाली में पानी का बहाव ज्यादा आता है, तो वो सारे जितना भी कचरा वगैरह होता है, पन्नियाँ वगैरह होती है, वो आकर के इस नाली को चोक कर देती है, और चोक होने के कारण जो है सारा पानी का रिसाव मंडी प्रांगण में होता है। इससे कृषकों को भी काफ़ी परेशानी होती है, कृषकों का माल गीला हो जाता है, खराब हो जाता है जो नीलाम के लिए आता है, और साथ ही जो व्यापारी तोल करके अपनी कृषि उपज का जो स्टॉक करते हैं प्रांगण में, वो माल भी उनका गीला हो जाता है। मतलब किसानों का भी नुकसान हो रहा है और व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है, और मंडी प्रशासन को भी परेशानी आ रही है, और नगर पालिका को हमने कई बार लेटर लिखे हैं कि इसको नाली का जो निकास है इसको मंडी प्रांगण के बाहर से कर दें, या मंडी के अंदर से यदि करते हैं प्रांगण में से, तो ये ड्रेनेज की व्यवस्था जाली लगा करके करें और अंडरग्राउंड बड़ा पाइप लगाएं, ताकि ये पानी जो है मंडी प्रांगण में न फैले। अब ये जो भी कार्रवाई करना है आगे की नगर पालिका को करना है। हम लोग उनको लिख भी चुके हैं, कई बार हमने उनसे दूरभाष पे भी उनको शिकायत की है, अब उनसे यही निवेदन किया है कि भाई इसको आप स्थाई इसका कोई हल निकालें, बार बार जो 8-10 दिन में इस प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने सर आपको क्या भरोसा, अभी क्या दिया है भरोसा कि कब तक कार्रवाई, कब तक? हम लोग जब भी उनको कहते हैं, वो लोग यहाँ पे सफाई कर्मचारी को भेजते हैं, वो साफ करके चला जाता है, और 2 दिन बाद वापस इसी प्रकार का कचरा आता है और वो नाली को चोक कर देता है। तो ये कोई स्थायी हल नहीं है, इसका स्थायी हल नगर पालिका को कुछ ना कुछ निकालना होगा।